किसी घर की नींव की मजबूती की बुनियाद सीमेंट की क्वालिटी और उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। सीमेंट बनाने वाली कंपनी इसका पूरा ध्यान रखती है, लेकिन अगर सीमेंट कंपनी की लापरवाही से कई लोगों की जान आफत में आ जाए तो यह हैरान कर देने वाली खबर है। सिरोही के पिंडवाड़ा में अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट लिमिटेड कंपनी की वजह से कंपनी की माइंस एरिया के नजदीक रहने वाले गांव के ग्रामीण दहशत में रहने को मजबूर हैं। कंपनी की ओर से माइंस में की जा रही ब्लास्टिंग में भारी लापरवाही बरती जा रही है, जिससे लोगों की जान खतरे में आ गई है। ब्लास्टिंग से लोगों के मकान भी थर थर कांप रहे हैं, मकान कपकपा रहे हैं। मकान में मजबूती का फायदा देने वाली अल्ट्राटेक नाथद्वारा सीमेंट कंपनी दूसरों के मकानों को हिलाने में लगी हुई है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, दहशत के साए में गांवों में रहने वाले ग्रामीण कह रहे हैं कि वो हर रोज दहशत में जीने को मजबूर हैं। वो कहते हैं कि माइंस में हो रही ब्लास्टिंग से उनके मकान में कंपन होता है, कंपन से मकान में दरारें आ गई हैं और कई मकान धराशायी भी हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अब उन्हें हर समय एक डर सा सताता रहता है कि कब कोई बड़ा पत्थर उनके मकान पर आकर न गिर जाए। आलम यह है कि मालप और ठंडी वेरी गांव के रहने वाले लोग बताते हैं कि जहां पहले उनके कुएं में 24 घंटे पानी रहता था, वहीं अब उनके कुएं सूखने लगे हैं। ब्लास्टिंग से उनके कुएं में पानी आना बंद हो गया है। इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोग और मायूस हो चुके हैं, क्योंकि उनकी सुनने वाला अब यहां कोई नहीं है। कंपनी के अधिकारी उनकी सुनते नहीं हैं और प्रशासन उनकी ओर ध्यान देता नहीं। यहां के रहने वाले लोग कृषि पर निर्भर थे, लेकिन अब उनकी जमीन इस कंपनी के काले धुएं से बंजर हो चुकी है। जहां पर आप अब कुछ नहीं होता है, वहीं अब कुओं में भी पानी खत्म हो गया है। इन माइंस में एक साथ 30-30 फीट गहरी ब्लास्टिंग होने से खुद अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उसे ब्लास्टिंग से कितनी दूर का एरिया प्रभावित होता होगा। इनके माइंस क्षेत्र में जहां पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ अरावली की शोभा बढ़ाते थे, वहीं अब 50-50 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं, जो कि गहरी झील में तब्दील हो चुका है। सीमेंट बनाने वाली कंपनी की लापरवाही से लोग आज दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं, जहां आगे मौत और पीछे गहरी खाई है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर। सर एक तो ये मंदिर फटा हुआ है, दूसरी बात बहुत टाइम हो गया इसे, ये घर ब्लास्टिंग से ये गिर गया नहीं सर। अच्छा, कौन कर रहा है ब्लास्टिंग? ब्लास्टिंग तो अल्ट्राटेक वाला, और दूसरा कौन करेगा? आज कुआं सूखा पड़ा है, इस पहले यहाँ पूरी सिंचाई होती थी, पूरा खेत पी जाता था पानी से। तो कम से कम 20-25 लोग, 20-25 घर वाले इस पे जीवित रहते थे इस खेती से। हमारा मकान गिर गया और कंपनी वाले सूचना नहीं दे रहे और बाकी खेती बाड़ी खराब हो रही है। जो भी ये काम कर रहे हैं, ये बड़े बड़े माइंस खोदे गए हैं, उसमें पानी आ गया। बहुत बड़ा पहाड़ था यहाँ पर, पानी इतने खोदाई करते हुए बहुत गहरी, आपसे 60-70 फुट और भी गहरी खुदाई हो रही है। उसकी ये पानी आ गया, पानी को ये लेके जा रहे कंपनी के अंदर। तो हमारे तो गाँव में जो कुएं है बोर है वो भी बंद हो रहे हैं, पानी बिल्कुल खत्म हो जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पानी भी नहीं निकलना चाहिए। सब साथियों से मनोज कर रहा है, इस मंच में देखो 15-20 साल से ये गहराई खोदी हुई है, आस पास गाँव वाले लोग है, सब पानी में कुएं के सब पानी सूख रहे हैं। देखो ये पानी निकला तो हमारे खेती नहीं होती है, पूरा फसल खराब हो जाता है। और हमारे पास में एक गाड़ी चल रही है तो डूब डूब के पूरा फसल खराब हो जा रहा है। चलिए हमारे मन से ये पास में एक नजदीक सिरोही से सहयोगी साकेत गोयल हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। साकेत कहते हैं पहाड़ों का सीना कोई चीर नहीं सकता है, लेकिन ये कंपनी अल्ट्राटेक कंपनी
इसकी सीना जोरी इतनी कि इसने पहाड़ों को जमींदोज कर दिया, सीना चीर दिया, कोई सुनने वाला नहीं है, लोग परेशान हैं, डर के साए में जी रहे हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी, कौन इनका धनी धोरी बनेगा? साकेत, के आसपास के जो गांव हैं ठंडी बेरी आमली मालव, वहां के गांव ग्रामीणों से जब मैंने बातचीत की, हमारी टीम वहां पहुंची, तो वो एक दहशत के माहौल में मजबूर है। कहते हैं कि जब कभी भी ब्लास्टिंग होती है तो हमें उनको एक डर सताता है कि कौन सा एक बड़ा पत्थर उनके ऊपर आके ना गिर जाए, उनकी छत पर नहीं गिर जाए। हमेशा एक दहशत के माहौल में यहाँ पे जीने को विवश है। उसके अलावा जब ब्लास्टिंग होती है तो ब्लास्टिंग से इतनी भयंकर दरारें आई हैं कि उनके मकान फट चुके हैं, कई मकान धराशायी हो चुके हैं, जहां तक कुएं जो हैं कुओं के अंदर भी जो ब्लास्टिंग के कारण पानी आना बंद हो गया है, अब वो सिंचाई भी नहीं कर पा रहे हैं और उनकी खेती सूखने पर मजबूर हो रही है। यहां हमारे साथ अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के विरोध में आवाज उठाने वाले ग्रामीण हैं, उन्हीं से हम पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने उनकी मांगे क्या है और किस बात का वो विरोध कर रहे हैं। गुलाब जी आप आइए, मांगे क्या है आपकी? सर हमारा निवेदन ये, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं डॉक्टर गुलाब सिंह पुरोहित हूँ। हमारी मांगे ये है कि हमारे जल स्रोत खत्म कर दिए इन्होंने, हमारे फॉरेस्ट खत्म कर दिए इन्होंने, जंगलों की जो आय थी, जंगलों के पत्ते बीन के ग्रामीण जो अपना गुजारा करते थे वो नष्ट हो गया उनका, उनको रोजगार देते नहीं, ये सब अल्ट्राटेक वाले हमारी सुनते नहीं। प्रशासन की भी तानाशाही आप देख लो, हम 12 लोगों के खिलाफ इन्होंने FIR लॉन्च किए। ADM महोदय ये कहते हैं कि मैं आपको अंदर टिका दूंगा, बड़ी तानाशाही दादागिरी। CI कहते हैं नॉनसेंस। मैं सुनील की चीज हूँ, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, PhD हूँ, पर मेरे साथ ये मिसबिहेव करते हैं तो हमारे घर से ये बहुत डरे हुए हैं। वो कहते साहब आपको भी अंदर टिकाएंगे तो हमारा क्या होगा? पर्यावरण स्वीकृति को लेकर एक जन सुनवाई हुई थी, उसमें क्या रहा? पर्यावरण को लेकर जो जन सुनवाई हुई थी, हमारा ग्रामीण समुदाय पूरा बाहर बैठा था, इनकी कुर्सियां खाली थी, एक भी ग्रामीण उसमें नहीं थे, इन्होंने अपने मताहत बैठा रखे थे। और प्रशासन, जिला प्रशासन के ADM बहुत ही अभद्र भाषा का यूज कर रहे थे और बहुत दादागिरी कर रहे थे। सवाल ये है कि क्या ये कंपनी शासन प्रशासन से ऊपर हो गई है? क्या ये कंपनी कानून से ऊपर हो गई है? शिकायत की सुनवाई कहीं क्यों नहीं हो रही है? जी बिल्कुल, हमने इस बारे में भी ग्रामीणों से बातचीत की तो ग्रामीण बताते हैं कि वो लगातार प्रशासन के अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवाया, अल्ट्राटेक सीमेंट के कंपनी के अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन वो उनकी सुनने के बजाय उनको डरा धमका कर बाहर भेज देते हैं और प्रशासन में भी उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ये लोग बेचारे खेती पर आधारित है, लोग हैं जो कि ये आदिवासी वर्ग से जुड़े हुए हैं और खेती पर आधारित है, लेकिन इस अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी की ओर से जो उनकी खेती है वहां पर जो ब्लास्टिंग का डस्ट है वो उड़ के आता है और कि जो भूमि है वो बंजर हो चुकी है, कुएं में पानी सूख चुका है, तो यहाँ से भी वो काफी निराश हो चुके हैं। जी आपने बात करने की कोशिश की, आपने जानने की कोशिश की, साकेत जिम्मेदार अधिकारियों से बात की आपने, जेबें किस किस की भरी जा रही हैं? क्योंकि इससे तो यही सवाल उठेगा ना, लोग यही पूछेंगे, ग्रामीण परेशान है, सुनवाई होती नहीं है, सवाल ये पूछा जाएगा कि जेबें किस किस की भरी जा रही है, भर कौन रहा है, ये साफ है। इस बारे में अधिकारी कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। जब हमने अल्ट्राटेक कंपनी के अधिकारी को कॉल किया तो उन्होंने हमारा फोन तक रिसीव नहीं किया और ना किसी प्रकार की कोई बातचीत की। इस बारे में भी गुलाब जी से भी हमने जब बातचीत की तो गुलाब जी ने हमको बताया कि उन्होंने लगातार अल्ट्राटेक कंपनी के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की। हमने क्योंकि कार्यपालकों से बात करने की मैंने जब कोशिश की तो वो मुझे एंट्री नहीं देते कि नहीं नहीं हमारे साहब मीटिंग में बिजी है, साहब आपसे बात नहीं करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी हमारी सुनते नहीं, पिछली सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी, नई सरकार से हम थोड़ी आशा करते हैं साहब, हम आदिवासी हैं, नई सरकार से ये हमें गुहार लगा रहे हैं कि हमारी सुनवाई करो। आप पर मुकदमे दर्ज क्यों किए गए? हमारे मुकदमे इसलिए दर्ज किए कि हम सब अशांति फैलाएंगे, इनके विरोध में बोल रहे हैं तो वो इनको अशांति लग रही है और मुझे पक्का भरोसा है कि ये मुझे अरेस्ट कर देंगे साहब। मेरे साथ 12 लोगों की इन्होंने FIR लॉन्च की है, नॉनसेंस जैसे वर्ड यूज करते हैं, ADM कहते हैं कि बैठ जाओ वरना मैं तुम्हें अंदर टिका दूंगा, सब ये तो पूरा कानून इन्होंने हाथ में ले रखा है। हम बड़े दुखी हैं, हम जाए तो जाए का नई सरकार से हमारी गुहार लगाते हैं। और ग्रामीणों से भी आप बात कर लीजिए। चलिए साकेत, बिल्कुल और लोगों से भी बात कीजिएगा, साकेत और लोगों से बात कीजिएगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, साकेत आप बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास और लोगों से बात करेंगे।